इस सभागार में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, यूपीए की चेयरपर्सन परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के सभी मुख्यमंत्रीगण, सम्माननीय नेतागण और कांग्रेस की आन बान और शान, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो इस सभागार में हमारे साथ इस महत्वपूर्ण दिन पर उपस्थित है। आज एक बदलाव के चौखट पर हम लोग खड़े हैं, लेकिन इतिहास भी दोहराना जरूरी है। आज उन स्वतंत्रता के संग्रामियों को हम याद करते हैं जिन्होंने 70 साल पूर्व हमें आजादी दी। उनके दिल में एक मनोकामना थी, एक सोच विचारधारा था कि एक धर्मनिरपेक्ष भारत, एक उदार विचारधारा के भारत में एक एक हिंदुस्तानी अपना योगदान दे पाए और विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह हमारा हिंदुस्तान और भारत उजागर हो पाए। आज अगर चुनौती है तो उन स्वतंत्रता के संग्रामियों की कुर्बानी को चुनौती है। मेरे भाइयों और बहनों, 4 वर्षों में जहां एक तरफ मेरा किसान, मेरा नौजवान, मेरी महिला पस्त हो चुकी है, वहीं ये भाजपा के मंत्री, संतरी, तंत्री पूरी तरह से मस्त हो चुके हैं। जिस भारत की बात ये करते हैं, जिन अच्छे दिनों की बात करते हैं, जो नई इंडिया की बात करते हैं, जहां भाई भाई के बीच में भाईचारा के विपरीत द्वेष भावना अर्जित कराने की कोशिश करते हैं, जहां सरकार स्वयं रक्षक के बदले में भक्षक बन जाता है और किसानों के छातियों के ऊपर गोली चलाई जाती है, एक ऐसा भारत, एक नया इंडिया जहां महिलाओं के ऊपर दिन दहाड़ा बलात्कार किया जाता है, जो पाकिस्तान भारत पर बार बार उत्साहवर्धन के अलावा हर बार उकसाने की कोशिश करती है, हमारे जवान सरहद पर अपना शहादत देते हैं और ये सरकार नतमस्तक होकर खड़े रह जाती है। बड़े बड़े उद्योगपति भारत की पूंजी लेकर इस सरकार के संरक्षण में फरार हो जाते हैं और मेरे बेरोजगार नौजवानों को ठेंगा दिखाया जाता है सरकार के द्वारा। ये चुनौती मेरे भाई और बहनों, ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, मैं तो मानता हूं कि ये भारत के अस्तित्व के लिए आज चुनौती हमारे सामने आ चुकी है। जो अच्छे दिन के ढंडोरा पीटते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमने महंगाई वाली गर्मी देखी है, हमने दुखों की बरसात देखी है, हमने नोटबंदी की सर्दी देखी है, लेकिन आज तक अच्छे दिन नसीब नहीं हुए हमारी देश की जनता को। मैं उनसे पूछना चाहता हूं एक नई इंडिया की सोच विचारधारा, जहां एक तरफ सबका साथ और सबका विकास की बात की जाती है और दूसरे तरफ असहिष्णुता का वातावरण तैनात किया जाता है, जहां रोहित वेमुला और जुनेद जैसे मेरे भाइयों को जिनकी मौत हुई है, वो इस सरकार के ऊपर आज कलंक बन चुकी है, जो ऊना की घटना हुई, जो मेरे दलित भाइयों को पीटा गया, वो हर एक संसद में एक सांसद के पीठ पर रोटी और डंडे लगे हैं। मैं ये मानता हूं कि आज अगर हमें जो आज कहा जाता है न्यू इंडिया किसान भाइयों के लिए, जहां हर साल 16,000 किसान मेरे आत्महत्या करते हैं, मंदसौर में मेरे किसान के छाती पर गोली चलाई जाती है, टीकमगढ़ में पुलिस के थाने में मेरे किसान को निर्वस्त करके डंडों से पीटा जाता है, जंतर मंतर में दिल्ली में तमिलनाडु के किसान हमारे अपने दोस्तों के हड्डियों को लेकर आते हैं, लेकिन सरकार का एक नुमाइंदा नहीं जाता उनसे मिलने के लिए, जहां महाराष्ट्र में 200 किलोमीटर नंगे पैर मेरा अन्नदाता चलकर जाता है और उसे कहा जाता है कि ये शहरी माओवादी आ चुका है।
इस विपरीत परिस्थिति से किसान को अगर उभारना होगा तो वो केवल मेरी कांग्रेस पार्टी और ये हाथ का पंजा उभार सकती है। एक नया इंडिया जहां बेरोजगारी की जब बात की जाती है, 2 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जाएंगे कहा जाता है, लेकिन आज जब मेरा नौजवान भटक रहा है रोजगारी के लिए तो उसको पकौड़ा तलने की नसीहत दी जाती है। यह है मोदी जी का न्यू इंडिया, एक न्यू इंडिया जहां संसद में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन संसद के बहुमत को हिटलर शाही और तानाशाही का लाइसेंस लगाकर आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है, हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं, ये एक संदेश हम इस अधिवेशन से भेजना चाहते हैं। आप एक सुरक्षा की बात करते हैं, 1 के बदले 10 सिर पाकिस्तान से हम लेके आएंगे, चीन को हम लाल आग दिखाएंगे, लेकिन साड़ी शॉल और डिप्लोमेसी और बिरयानी की डिप्लोमेसी की जाती है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज इस अधिवेशन में बैठे हुए हर एक नौजवान से कि किसी को लगता है कि किसान खतरे में है, लगता है कि नहीं? किसी को लगता है कि किसान खतरे में है? किसी को लगता है कि महिला खतरे में है? किसी को लगता है कि नौजवान खतरे में है? अरे मेरे यारो, वर का चश्मा उतार दो, क्योंकि मेरा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। राष्ट्र निर्माण की बात की जाती है, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र का निर्माण किया है, ये भाजपा तो केवल अपनी पार्टी की निर्माण करने जानती है। ये कांग्रेस पार्टी है जिसका एक एक कार्यकर्ता और जिसका एक एक नेता, चाहे इंदिरा जी रही हो, राजीव जी रही हो, रहे हो, इस देश की माटी को सिंचित अपने खून से किया है तो केवल कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता ने किया है। आज एक नया सूर्योदय हो रहा है, एक नया सूर्योदय हो रहा है राहुल गांधी जी के रूप में। ये सूर्योदय कांग्रेस पार्टी का सूर्योदय नहीं, ये सूर्योदय मेरे भारतवर्ष का सूर्योदय होने जा रहा है। एक ऐसे नेता जिसने सदैव देश प्रेम की बात की है, देश विकास की बात की है, देश की भावना की बात की है, एक ऐसा नेता जिसे पूछा गया कि आपकी आपका धर्म क्या है, जिससे पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, और उस नेता का जवाब था कि अगर मेरा कोई धर्म है, अगर कोई मेरी जाति है, तो वो केवल राष्ट्र का तिरंगा का झंडा है। आज वो समय आ गया मेरे भाई और बहनों कि हमें एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी का की कार्यकर्ता की लड़ाई नहीं, देश की भविष्य की लड़ाई है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर 5 उंगली रहेंगी तो बिखर जाएंगी, और अगर ये 5 उंगली मुट्ठी बन जाए तो देश का उत्थान और देश का विकास सुनिश्चित हो पाएगा। तो हमें मुट्ठी बनकर इस भाजपा का सामना करना होगा। मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस पार्टी का तिरंगा लाल किले पर भी लहराएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। वही एक विश्वास मन में रखकर सड़क पर हमें निकलना होगा और कांग्रेस को दोबारा स्थापित करना होगा। अंत में मैं 2 लाइन आपको अर्पित करना चाहता हूं कि आंधियों का जिद है बिजलियां गिराने की, आंधियों का जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की, हमें भी जिद है वहां आशियां बनाने की। और राहुल जी, ये आपके शब्द हैं, राहुल जी ये आपके शब्द हैं कि आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। असूलों पर जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, असूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो
तो जिंदा नजर आना जरूरी है। धन्यवाद।